हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 के अकाउंट में चैप्टर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार में क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित व्यवहार पर से जोलिप की रोकड़ बही और भट्टा खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है, रोकड़ और भट्टा। तो खाता बनाएंगे तो ये बनेगा दो खाने वाली रोकड़ बही, एक तो आएगा भट्टा और रोकड़, ठीक है। तो किसके नाम बनाना है, जोलित। तो लिखेंगे जोलित की रोकड़ बही, ठीक है। खाना बनाएंगे तो ये होगा उधार साइड और ये होगा जमा साइड। और मैंने पहले ही कहा था कि जो व्यवहार भी होंगे, व्यवहार के आधार पर ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे कोई व्यवहार दिया हो तो अगर जो खाता जमा आता है तो ये साइड लिखेंगे, जो खाता उधार आता है तो ये साइड लिखेंगे, भले ही ये पक्ष क्यों जमा हो या फिर उधार हो, ठीक है। तो बोला गया है कि 2015 अप्रैल तारीख में 2015 अप्रैल एक, उसमें लिखा गया प्रारंभिक रोकड़ शेष, जिसे हम लिखेंगे शेष आगे लाए, ठीक है। कितना दिया है, 5,500, इसकी एंट्री करेंगे रोकड़ खाते में। तारीख 3, 4,000 का माल 10% रुपये भट्टा से बेचा, ठीक है। अब देखो 4,000 का माल है, उसमें 10% मतलब 400 आएगा, तो तारीख लिखेंगे 3 और इसका उद्नामचा क्या होगा, बेचा है तो रोकड़ आएगा, रोकड़ खाते उधार और बिक्री खाते जमा, लिखेंगे बिक्री खाते। कितना दिया है, 4,000 में से 10% रुपये भट्टा मतलब 400 यहाँ निकाल देंगे तो बचा कितना, 3,600। तारीख 4, 3,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा है तो लिखेंगे यहाँ पे बिक्री खाता जमा हो जाएगा, बराबर। 3,000 का माल है उसमें से रोकड़ भट्टा नहीं दिया, यहाँ बोला गया है कि व्यापारी भट्टा मतलब यहाँ पे रोकड़ भट्टे की एंट्री होगी, व्यापारी भट्टे की एंट्री ना ये खाते में होती थी और ना ही सहायक खाते में, बराबर। तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, सीधा रकम काट के जो रकम बचेगा उसे डायरेक्ट रोकड़ खाते में लिख देंगे, रोकड़ खाने में 2,700, ठीक है। तारीख 5, अर्थ को 2030 का हिसाब चुकाने के पेटे रुपए 2,000 नगद चुका दिए, नगद चुकाई मतलब हमारे लिए क्या हो गया, खर्च ये साइड आएगा, लिखेंगे तारीख 2015 अप्रैल 5, अर्थ को चुकाए मतलब अर्थ क्या हो जाएगा, उधार, हाँ लिखेंगे अर्थ खाते। कितना चुकाया उसे, 2030 के बदले हमने उसे चुकाया 2,000, मतलब 30 रुपये क्या होगा, प्राप्त भट्टा या फिर कसर जो हम यहाँ पे लिख देंगे। तारीख 10, 4,000 का माल 5% रुपये भट्टा से खरीदा, अब देखिए खरीदा है तो खरीद खाते कब जाएगा, उधार, बराबर। तारीख 10 लिखेंगे खरीद खाते, 4,000 का माल में भट्टा मतलब कितना आएगा, 200, बराबर। देखिए यहाँ पे 4,000 × 5 के बट्टे में 100, 2,0 कट, कितना आएगा, 200, बराबर। 200 यहाँ लिखे, कितना बचेगा, 3,800 की एंट्री हम यहाँ कर देंगे, बराबर। अब तारीख 13, वेतन का रुपये 1,000 और मजदूरी का रुपये 600 रोकड़ चुकाए मतलब क्या खर्च होगा, तारीख लिखेंगे यहाँ पे 13 और एक बार 13, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो बार बोला गया है, एक तो वेतन और एक मजदूरी, लिखेंगे यहाँ पे वेतन खाते और मजदूरी खाते, वेतन खाते उधार और मजदूरी खाते उधार, ठीक है। तो वेतन का कितना दिया है, रुपये 1,000, लिख देंगे रुपये 1,000 और मजदूरी का दिया है रुपये 600, तो एंट्री कर दिए। उसके बाद तारीख 15, कमीशन के 100 दर लेके 900 मिले मतलब क्या है, आवक होगा, लिखेंगे तारीख यहाँ पे 15, दो बार आएगा, पहले में कमीशन दूसरे में दलाली,
कमीशन खाते और दलाली खाते, ठीक है। रकम में आएगा पहले में 100, रकम में आएगा 100 और 900। तारीख 17, कृष्णा को 1420 के हिसाब से 1400 रुपये का चुकता किया, तो तारीख 17। अब किसी को चुकाया मतलब क्या होगा, वो उधार होगा, तो कृष्णा खाते क्या हो जाएगा, उधार, कृष्णा खाते उधार हो जाएगा। रकम कितना था, 1420, जिसमें से हमने 1400 रुपये चुका दिए, मतलब कितना बचेगा, 20 रुपया हमारे लिए प्राप्त बट्टा बिना आएगा। तारीख 18, 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% ब्रोकर बट्टा से बेचा। तो देखिए तारीख 18 जो यहाँ पे दिया है, तारीख 18 का बोला गया है कि 5,000 का जो माल है उस पे 10% व्यापारी बट्टा काटना है, मतलब 500 कट जाएगा, कितना आएगा 4,500, ठीक है। और इसमें देना है 5% ब्रोकर बट्टा, तो -5% करेंगे तो -5 के बट्टे में 100 हो जाएगा, 2 0 कट, 5 बटे 25, 5% से लिया 2, 5 2 20, 2 22, 225 बराबर बचेगा 4 5 और ये 7 2 और 4, 4 2 75। तो तारीख 18 में लिखा गया है कि बेचा, बेचा मतलब कितने में बेचा, 4 2 75 में बेचा बराबर, लिखेंगे तारीख 18। किससे बेचा, जिससे बेचा उधार होगा और बिक्री खाता जमा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे बिक्री खाते ब्रोकर में कितना आएगा, ब्रोकर में लिखेंगे 4,275, 4,275 और बट्टा कितना है 225, ठीक है। वेबल बट्टा के लिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तारीख 19, 6,000 का एक यंत्र रमेश के पास से खरीदा, जिसके पेटे 2,000 रुपये चुकाए और बाकी की रकम एक मास बाद चुकाना निश्चित किया, तो जितना रकम चुकाया है पहले वो लिखेंगे बराबर, और जो बाकी की एंट्री है वो कहाँ जाएगा, सहायक बही में जाएगा बराबर, लिखेंगे तारीख 19। यंत्र खरीदा है मतलब क्या होगा, यंत्र खाते उधार, लिखेंगे यंत्र खाते उधार। खरीदा था 6,000 का, 6,000 में से हमने 2,000 चुकाया, तो 2,000 की एंट्री यहाँ पे होगी बराबर। तारीख 23, धंधा में अधिक रकम की जरूरत होने से ₹3,000 कीमत घर का फर्नीचर 3,500 में बेचा और ₹2,500 धंधे में लाया। अब फर्नीचर था 3,000 का, बेचा 3,500 में, लाया कितना 2,500, उससे हम डिपेंड नहीं रहेंगे कि मतलब कितने का संपत्ति था कितने बेचा, उसे हम गिनेंगे जो कि धंधे में रकम आता है। धंधे में रकम कितना आया यहाँ पे 2,500 आया, तारीख लिखेंगे यहाँ पे 23। रोकड़ आया मतलब क्या है, हमारे लिए आया होगा, धंधे के लिए आया होगा, तो कितना आएगा पूंजी खाते जमा, पूंजी खाते जमा कितना लाया है रुपए, यहां करेंगे 2,500। उसके बाद तारीख 27, 225 व्यापारी मंडल को वार्षिक फीस चुकाए, तो लिखेंगे यहाँ पे 27 तारीख वार्षिक फीस, कितना चुकाया 225। उसके बाद 29, गोडाउन भाड़ा 600 रुपये चुकाया और लाए भाड़ा के 300 संघों को नगद दिए, तारीख 29 में दो आएंगे। गोडाउन भाड़ा मतलब गोडाउन किराया कितना है 600, और तो और लाए भाड़ा के 300 संघों को नगद चुकाए, तो संबंध खाता क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, और लारी भाड़ा क्या हो जाएगा, लारी भाड़ा खाते उधार और संबंध खाते जमा, तो यहां लिखेंगे लारी भाड़ा खाता कितना आएगा यहाँ पे ₹300। अब करेंगे टोटल, तो उधार पक्ष का टोटल और जमा पक्ष का टोटल, तो उधार पक्ष टोटल में करेंगे तो कितना आएगा और जमा पक्ष कितना आएगा लिखेंगे, उधार पक्ष का आएगा 19,575, 19,575 ये हो गया उधार पक्ष का, और जमा पक्ष का कितना आएगा 11,925, 11,925, ठीक है। घटाएंगे तो बचेगा 7,650, ये रकम हम ले जाएंगे शेष आगे ले जाएगा, तो ठीक है।
रहने देंगे तारीख, अब देखेंगे फिर मतलब कि ये कौन सा महीने का है, अप्रैल का है तो कितना होगा, 30 का महीना होगा बराबर, तो तारीख लिखेंगे यहाँ पे 30 शेष आगे ले गए बराबर। अब करेंगे टोटल, उधर कितना आया 19,575 और जमा आया 11,925, तो ज्यादा कौन सा है ये वाला, तो दोनों खाने में हम लिखेंगे 19,575, 19,575 और यहाँ भी लिखेंगे 19,575 ठीक है। अब जमा साइड में से जो रकम आया है उसे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 7,650, ये रकम ले जाएंगे शेष आगे ले गए। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ था अप्रैल का तो यहाँ लिखेंगे तारीख 2015 मई 1 बराबर, यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए, कितना दिया यहाँ पे 7,650। उसके बाद से जो व्यवहार होंगे वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और दिया बटा कितना आया 625 और यहाँ पे कितना आएगा 250, ये होगा प्रॉफिट का और ये होगा दिए बटे का टोटल।